हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया अधिकारी। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव 3.0। आज की वीडियो आप सभी से शेयर करूंगी मैं कैसे लिम्पनाड बनाती हूँ। पैकेट बनाऊंगी पर अपना चैनल का नेम का लिम्पनाड बनाऊंगी। तो कैसे मैं बनाती हूँ आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। मैंने बहुत सारे मतलब चैनल में देखे अपने अपने चैनल का नियॉन लाइट से डेकोर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा सब तो नियॉन लाइट यूज़ कर रहे थे, मैं क्यों ना अलग सा कुछ बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना क्ले के मदद से बनाऊँ। तो मैंने एक दुकान से ऐसा एक प्ले स्लाइप बोर्ड पतला सा खरीद के लाई हूँ और इसके ऊपर ही मैं लिम्पन आर्ट बनाऊंगी। आती हूँ, एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप सभी शेयर करूँ। चलिए आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं पूरे स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाली हूँ कि लिम्पन आर्ट मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये जो दोनों क्ले हैं इसको एकदम एक्यूरेट मतलब क्वान्टिटी में लेंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने से पहले हाथ में पहले से पाउडर लेना होता है, क्योंकि जो हाथ में चिपक जाता है। तो हाथ में अच्छे से पाउडर लेने के बाद मैं इस क्ले को एक डो बनाऊंगी, फिर जहाँ पर मैं जो सरफेस में इसको रोल करूंगी वहाँ पर भी मैं पाउडर यूज़ करूंगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मतलब मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं रोल करने का टाइम मेरा क्ले टूट जा रहा है। तो सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो टूट जाने का रीज़न है ये है, जो मैंने पहले दिखाया था दोनों क्ले ब्लू और रेड, उसको एकदम इक्वल क्वांटिटी में लेना पड़ता है। अगर थोड़ा भी 19-20 हो गया तो वो जो ये जो रोल कर रही हूँ ये टूट जाता है, इसीलिए ये टूट जाता है। तो एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी में लेना होता है। और उसको ऐसे एक ही मतलब डो बनाने के बाद उसको अच्छे से रोल करने के टाइम भी पाउडर यूज़ करना होता है। फिर इसको आप ग्लू के मदद से फेविकॉल या दूसरा कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और इसके मदद से आप ऐसे जो आपका डिज़ाइन है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्रिएटिव 3.0 जो मेरा लोगो है, मेरा चैनल का नाम है, तो ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले क्ले के मदद से जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये पहले बनाऊंगी, उसके बाद मैं कलरिंग करूंगी, उसके बाद यहाँ पर मिरर यूज़ करूंगी। एंड तक देखते रहिए और कैसा लगा ये वीडियो, कैसा ये मतलब हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा बहुत ही हेल्पफुल हुआ ये जो मैं टूल यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर का, मतलब ये एक सेट है। तो यहाँ पर ये जो टूल है ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मैं जो शेप चाह रही थी मतलब एक्यूरेट शेप इस टूल के मदद से मैंने कर पाई हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है मतलब लिम्पन आर्ट में, वो है जितना आप एक बार में रोल कर सकते उतना ही आप क्ले को मिक्स करना होता है। ज़्यादा अगर मिक्स करेंगे उससे भी ख़राब होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सोच रहे होंगे मैं इक्वल क्वांटिटी में मतलब नहीं कर सकती तो मैं पूरा क्ले को एक बार में मतलब कर दूँ मिक्स, तो उससे क्या होता है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मॉड्यूलेट क्ले, तो यहाँ पर ये क्ले बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसलिए जितना आप एक बार में रोल कर सकते यूज़ कर सकते उतना ही आपको एक बार में मिक्स करना होता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये मतलब आपने पहले मैंने दिखाया था कितना क्वांटिटी में एक बार में मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उतना ही थोड़ा थोड़ा करके मैं एक बार में मिक्स कर रही हूँ। फिर जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ रोल, फिर उसको अच्छे से सेट करने के बाद मतलब चिपकाने के बाद फिर मैं दूसरा थोड़ा और ले रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स करके फिर रोल बना के उसको अच्छे से चिपका रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करने से क्या होगा, जो डिज़ाइन है मैं वो अच्छे से वही डिज़ाइन एक्यूरेट बनता है। अगर आप थोड़ा मतलब ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, क्ले हार्ड हो जाएगा, फिर जो आप डिज़ाइन करना चाहेंगे वो एक्यूरेट नहीं आएगा। हार्ड होने से डिज़ाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन कर रही हूँ तो ये डिज़ाइन करने में तो मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैंने सोचा हाथ से जितना हो रहा है उतना कर लूँ, उसके बाद मैं वो जो टूल है उसके मदद से मैं करूँगी। तो पहले मैं टूल से कर रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँ, उसके बाद टूल के यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने ये कर रही थी फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने हाथ से जितना हुआ पूरा करने के बाद मैं टूल यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मतलब चिपका, मैं पहले गम पहले दे दूँ, उसके बाद क्ले को
अच्छे से रोल जो रोल क्ले है उसको अच्छे से मैं चिपका रहा हूँ। उसके बाद शेप लाने के लिए मैं ये टूल यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं दोनों साइड ऐसे ही डिज़ाइन बनाई हूँ, तो ये पूरा डिज़ाइन ऐसे ही मैं दोनों साइड बना लूँगी। तो ये बन के रेडी हो गया। और नीच में जो मतलब क्रिएटिविटी 3.0 के जो नीच में और ऊपर में जो गैप है वहाँ पर मैं लोटस बनाने की कोशिश कर रही थी, पर थोड़ा स्पेस कम हो गया। पर मैंने सोचा स्पेस कम होने मतलब तब फिर भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि लोटस मेरे को बहुत अच्छा लगता है और लोटस का एक लुक बहुत ही क्लासिक लुक आता है, तो मैंने सोचा यहाँ पर लोटस ही बनाऊँ। बट थोड़ा छोटा हो गया, पर कुछ बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है। मैंने लास्ट तक मैंने बनाया तो अच्छा ही लग रहा था। तो आप भी एंड तक देखिए और कैसा बना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने पूरा जितना हो सके उतना लोटस यहाँ पर नीचे और सेम प्रोसेस से ऊपर भी बनाऊँगी। फिर एक दो घंटे के लिए मैं यहाँ एक क्ले को छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए, क्योंकि अगर ड्राई होने अभी मैं कलर करना स्टार्ट कर दूँ तो गम अच्छे से सूखेगा नहीं, क्ले अच्छे से सूखेगा नहीं, तो क्या होगा इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे ही पूरा लोटस बन चुका है। फिर मैंने साइड सोचा तो साइड में थोड़ा गैप गैप लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी लाइंस कर दूँ क्ले का। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बॉर्डर लाइन कर दी हूँ। और ये अच्छे से मतलब मैं काम था थोड़ा, तो इसलिए मैं एक दिन की छोड़ दी थी, पर आप 2-3 घंटे या 3-4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, जिससे अच्छे से क्ले अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद आप जो भी करेंगे वो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर क्ले अच्छे से ड्राई नहीं होगा और आप कलरिंग स्टार्ट कर देंगे तो कलरिंग ब्रश के ब्रश में अगर करेंगे या आप स्पॉन्ज में करेंगे तो ये अच्छे से कलर नहीं होगा और इधर उधर हो सकता है। इसलिए मैं अच्छे से इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद ही मैं कलर करूँगी। तो पहले मैं जैसो का कोट करूँगी, उसके बाद मतलब मेरा जैसो थोड़ा पुराना हो गया इसलिए मैं जैसो के बाद मैं फेब्रिक का यूज़ करूँगी, वाइट फेब्रिक की कोट करने के बाद मैं एक फिर मैं कलरिंग करूँगी, मतलब जो मेरा कलर है वो कलर मैं करूँगी। ऐसे चारों साइड में ऐसे लाइन कर दूँगी। तो क्ले का पोर्शन पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। क्ले का पोर्शन जितना मेरा क्ले का काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें कलर करूँगी, तो ये फैब्रिक वाइट फैब्रिक में यूज़ करूँगी। तो उससे पहले मैं जैसो का कोट करूँगी, तो जैसा मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सोची थी ब्रश के मदद से करूँगी, पर ब्रश से भी आप कर सकते हैं या आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ब्रश से यूज़ कर रही थी, पर मेरे को लगा ब्रश के मदद से ना करके स्पॉन्ज से और जल्दी होगा और अच्छा भी होगा। तो मैंने इसके बाद ये ब्रश रख के मैंने स्पॉन्ज की मदद से ही मैं स्पॉन्ज की मदद से ही कर रही पूरा मतलब जैसो का कोट का ह्यू। और जो बाद में जो कलरिंग है वो भी मैं पहले का कोट मैंने ब्रश से किया, उसके बाद जो सेकंड का कोट है वो मैंने स्पॉन्ज से किया। तो ऐसे ही पूरा स्पॉन्ज की मदद से ऐसे ही कलरिंग मतलब कलर भरना होता है। तो ये व्हाइट जैसो का कोट हो गया, फिर मैंने एक फेब्रिक का भी कोट कर लिया। अब ये जो पिस्ता कलर है, ये पिस्ता कलर मैंने पहले सोचा था कि पूरा जो मतलब ये डिज़ाइन है उसके अंदर मैं ये पिस्ता कलर ही करूँगी। मैं जो नेम प्लेट का है ये मैं पहले सोचे थे पिस्ता कलर से करूँगी, पर मैं को लगा बहुत ही हल्का हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया ये मैं पिस्ता कलर मैंने पूरा नेम प्लेट में की हूँ, उसके बाद लोगो प्लेट में, उसके बाद मैंने कहीं कहीं मतलब स्पॉन्ज की मदद से ब्लू कलर को यूज़ करके स्पॉन्ज की मदद से फिरा एक शैडो मतलब एक स्पॉन्ज की मदद से जो एक शैडो टाइप्स आ जाता है वो मैंने क्यों। तो कैसा लुक आएगा आप सभी कमेंट से जरूर बताइएगा। तो ये मैंने पहले पिस्ता कलर की हूँ, उसके बाद स्पॉन्ज की मदद से ये ब्लू की हूँ। अब ये जो क्ले है ना, ये क्ले को जो एक लाइन हो गया, अब ये जो ग्लिटरी कलर है ये पाउडर बेस में है, इसको ग्लू के मदद से अच्छे से एक पेस्ट बनाई हूँ। उसके बाद उंगली की मदद से इसमें वो जो लाइंस हैं उसके ऊपर मैं ये ग्लिटरी कलर करूँगी, क्योंकि ब्रश की मदद से करूँगी तो इधर उधर हो सकता है, नीचे भी लग जाएगा, इसलिए मैं हाथ की मदद से करूँगी। इससे अच्छा होता है और आप सब मतलब आप अगर करेंगे तभी समझ में आएगा कि ब्रश से बहुत ही प्रॉब्लम होता है और हाथ की मदद से करेंगे
तो वो जल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। और मैंने यहाँ पर एक गलती की थी जो है लोटस को मतलब कलर करने से पहले ही मैंने ग्लिटर कलर कर दी थी। फिर मैंने देखा कि नहीं ये फिर रेड कलर भी करना होगा, रेड पिंक का एक मिक्सर बनाऊंगी पिंक लोटस में, तो इसलिए मैंने लोटस का पहले कलर करूंगी उसके बाद ही उसके ऊपर ग्लिटर कलर करूंगी। और एक चीज़, लोटस में अगर कलर भरने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर कलर करने से बाद ही मैं ग्लिटरी कलर करूंगी तो वो कलर रेड कलर बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए मेरा वो गलती हो गया था। इसलिए मैंने आप सभी को पहले से बता दे रही हूँ कि जो मैं कलर मतलब आप भी करें अगर, तो ये मिस्टेक ना हो कि कलर करने के इंस्टेंट बाद ही तुरंत बाद आप मतलब ऊपर जो ग्लिटर कलर कर रही हो वो तुरंत बाद करेंगे तो बाहर रेड का एक ये आएगा। पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि अगर मतलब क्योंकि ये ग्लिटरी कलर पाउडर बेस में था तो बाहर मेरा लग भी गया था पर वो ढक गया। मैंने सोचा कैसा लगेगा पूरा रेड रेड हो जाएगा, पर अगर उसके बाद मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दी, उसके बाद मैंने मतलब यहाँ पे लग गया था फिर उसके बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दी, उसके बाद ही मैं गोल्डन कलर की हूँ तो गोल्डन कलर ने अच्छे से काम किया और वो जो रेड रेड लग रहा था वो ढक गया था। तो ये मेरा कलरिंग करने के बाद का लुक है, फाइनल लुक अभी नहीं हुआ है। तो मेरा सबसे ये जो मैंने बनाए हो इसके सबसे मेरा फेवरेट पोर्शन है ये मिरर का पोर्शन। ये मेरे को इतना अच्छा लगा मतलब चिपकाने में, और क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ा गैप में मिरर का चिपकाऊंगी, फिर मेरे को एक दो तीन करते इतना अच्छा लगा कि मैंने जितना गैप था वहाँ पर मैंने मिरर यूज़ कर दी हूँ, पर मतलब अच्छा भी लग रहा था। तो यही मतलब बर्फी का जो स्टाइल मतलब बर्फी कटिंग जो मिरर है ये मैं जितने गैप्स हैं वहाँ पर मैं ये चिपका दूँगी, और लोटस दोनों लोटस के बीच में जो गैप है वहाँ पर मैं राउंड सर्कल का मिरर चिपकाऊँगी। ऐसे मैं पूरा जो यहाँ पर जो ऐसे डिज़ाइन है इसके अंदर मैं ये ऐसे ही चिपकाऊँगी, ये फ्रंट व्यू से दिखाने। तो कलर बहुत ही अच्छा आया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा सुन बताइएगा। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाए। तो ये जो लोटस है दोनों लोटस के बीच में जो गैप है यहाँ पर मैं सर्कल मिरर चिपकाऊंगी, और ऐसे ही करते करते मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा पूरा लोगो प्लेट बोल सकते हैं, नेम प्लेट बोल सकते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे मैंने पूरा गैप्स में मिरर चिपका दी हूँ, आज जो लोटस के बीच में वहाँ पर भी मैंने सर्कल का मिरर बैठा चिपका दी हूँ। ऐसे ही मेरा पूरा नेम प्लेट लोगो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
Stay tuned. See you in the next video. Bye-bye.